आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो फिर आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्न करती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। आप लोग मुझसे एक्सरसाइज के बारे में सवालात कर रहे थे कि आप लोग जो है वो रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाएगा टाइम निकालना, तो लेकिन आप लोग एक मिनट तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, आपको मैं सिर्फ ये बता देती हूँ, आपने सिर्फ एक मिनट देना है पूरे दिन में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप ये वाली एक्सरसाइज भी परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। अब आपने वन मिनट की क्या ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके जो है वो पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हो जाएँ। जैसे मैंने ये वाली एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी आपको, जिसे प्लैंक एक्सरसाइज कहते हैं, आप काइंडली देख लीजिए कि किस तरह से सालिहा ने इसे परफॉर्म किया। टाइट होल्ड में जाते हुए आप लोगों ने अपने कोर को टाइट रखा है और आप सर एल्बो पोजीशन में जाए और आप प्लैंक होल्ड करेंगे। 30 सेकंड के लिए आपने प्लैंक होल्ड किया है, और साथ ही अपने टाइम को इंक्रीज करेंगे। इसके भी आपने तीन सेट करेंगे इसके भी आप 30 सेकंड्स के। इसमें ये होता है कि आपने जैसे मैंने इसे एक्सप्लेन किया कि आप जो है वो 30 सेकंड्स के लिए, शुरू में आपसे 30 सेकंड भी नहीं होगा, लेकिन परेशान ना हो, आप आहिस्ता आहिस्ता अगर 10 सेकंड्स भी हो रहा है तो आप 10 सेकंड से ही स्टार्ट कीजिए, इसको 30 सेकंड्स तक लेके जाइए। और आपने क्या करना है, अपने मसल्स को इंगेज करना है, आपने अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज करना है, और जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये दिखने में तो बहुत ईजी लग रही है, लेकिन इसमें आपकी बॉडी के सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके एल्बो के मसल्स, आर्म्स, शोल्डर्स, नेक, आपके फेस, आपका हेड, आपका चेस्ट, एब्डोमेन, हिप्स, बटक्स, और आपके नीज, आपके एंकल्स, आपकी लेग्स, आपके आर्म्स, सारे मसल्स इंगेज हुए हुए होते हैं इसके अंदर। और वो मसल्स जो बैक के मसल्स होते हैं वो भी इंगेज हुए हुए होते हैं, आपके जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, ठीक है, सारी बॉडी इन्वॉल्व हुई हुई होती है जब आप इसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इससे आपकी बॉडी का जो कोर मसल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और आपकी बॉडी जो होती है वो कैलोरीज ज़्यादा बर्न करती है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो फिर आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्न करती है। अच्छा जी, इसमें ये है कि आपने किस तरह से इसे परफॉर्म करना है। अच्छा जी, एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, या तो आप इसे खाली पेट कीजिए, अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, या फिर अगर आपने मील लिया हुआ है तो उसके 2 आवर्स के बाद आपने उसे परफॉर्म करना है। क्यों? फास्टिंग स्टेट में, तो मैंने आपको बता दिया था कि फास्टिंग स्टेट में आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा फैट बर्न करती है, क्योंकि आपकी बॉडी में उस वक्त ग्रोथ हार्मोन भी फास्टिंग की वजह से रिलीज़ हुआ हुआ होता है, ठीक है, इंसुलिन लेवल्स भी आपके जो है वो डाउन हुए हुए होते हैं, तो आपको बहुत मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, मील के फ़ौरन बाद जो है वो मना क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आप मील लेते हैं तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो फ़ौरन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाता है, आपका पूरी बॉडी का ब्लड, ठीक है, और सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उस वक्त बिज़ी होता है डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम ज़्यादा टाइम नहीं देते डाइजेशन होने के लिए और हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं या वॉक या जो भी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो हमारे आर्म्स होते हैं, जो हमारे लेग्स होते हैं, इनको पेरिफ्री कहा जाता है। तो हमारे आर्म्स और हमारे लेग्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज के वक्त उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो ब्लड क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से हट के पेरिफ्री की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी डाइजेशन जो होती है वो इफेक्ट होती है, डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होती, और आपकी एक्सरसाइज के वक्त जो आपको ब्लड सप्लाई चाहिए होता है पेरिफ्री में, वो भी अच्छे तरीके से नहीं जा रहा होता। तो इस वजह से कहा जाता है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स हो जाए, सारा प्रॉपर फंक्शन उसकी हो जाए, इसमें 2 आवर्स लगते हैं, 2 आवर्स के बाद आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, आप वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें।
रमदान में आप इसे कब परफॉर्म करेंगे, आप जहर के बाद कर सकते हैं, असर के बाद बेस्ट टाइम है, और इसके अलावा आप जो है वो आफ्टर तरावी प्रेयर्स भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। आपने जस्ट कुछ नहीं करना, वहीं पर मैट पे आप इस पोजीशन में आ जाएं जैसे सालिहा ने इसे परफॉर्म किया है, और आप इसे पहले कुछ लोगों से 10 सेकेंड्स होगा, कुछ लोगों से 20 सेकेंड्स होगा, तो अपने आप को आप जो है वो परेशान ना हो, जिससे जितना टॉलरेट होता है उसी तरह से स्टार्ट करें। 30 सेकेंड्स तक लेके जाएं, अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज कर लें और ब्रीदिंग आपने करते रहना है उसमें, ठीक है, अपना सांस नहीं रोकना है, और आपको फील होगा कि आपकी सारी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हुए हैं, और आप इसे आहिस्ता आहिस्ता इसका ड्यूरेशन बढ़ा के 1 मिनट और 2 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं। फिर इसी तरह से आपकी बॉडी जो होती है, आपकी बॉडी के मसल्स टोन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो वाली एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर लें अपने रूटीन में, क्योंकि फिर आपकी बॉडी के मसल्स को आदत हो जाएगी, ठीक है, वो हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आप वो वाली एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर लें क्योंकि वो बहुत सेफ है, उसके अंदर कोई जंपिंग नहीं है। 3-4 एक्सरसाइजेस जो है वो उसमें हैं, फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं जिसमें बैक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में हैं एक्सरसाइजेस वो भी बहुत, उसमें भी कोई जंप नहीं है, वो बहुत ही सेफ है सबके लिए, टीनएजर्स से लेके ऑनवर्ड्स जितने भी मर्द हजरात और ख्वातीन और गर्ल्स बॉयज़ सब इसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्लैंक एक्सरसाइज भी सब के लिए सेफ है, जिससे जितनी टॉलरेट होती है वो इसी तरह से उसे परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।